सो गाइस, फिर से स्वागत है एक बार JR एडिटिंग जोन चैनल पर। गाइस, इस वीडियो पर मैं आज आप लोगों को ऑरेंज कलर एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। फुल्ली ऑरेंज है और यहाँ पर जो स्काई है हमारा वो ब्लू है। सो इस तरीके का कलर एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और गाइस, यहाँ पर मैं एक न्यू ट्रिक का यूज़ किया हूँ। सो वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है और ईजी होने वाला है। सो 2-3 मिनट का वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लाइटरूम के अंदर दो चीज़ों को ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो प्रीसेट को ऐड कर लेना है, उसके बाद जिस फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हैं उसको ऐड कर लेना है। सो प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ए वाला प्रीसेट है, इसको सबसे पहले कॉपी सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद फोटो के अंदर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो मैं कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर से अप्लाई कर देता हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बहुत सारे न्यू ट्रिक मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पर आप लोगों को पेज सेटिंग कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर आ चुका है फोटो के अंदर। सो यहाँ पर थोड़ा सा येलो टाइप का करना है सबसे पहले आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पर मैनुअल तरीके से करना है। सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर से मिक्स और येलो कलर का जो सेचुरेशन है ना उसको हाई कर दीजिए, और जो ग्रीन कलर है उसका भी सेचुरेशन को हाई कर दीजिए। सो आप लोग देख सकते हैं फोटो येलो हो चुका है, उसके बाद फोटो को सेव कर लेना है। सो बहुत ही आसान है गाइस, यहाँ पर से मैं आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ। सो ये ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं बहुत ही न्यू ट्रिक लेके आया हूँ इस वीडियो पर। सो वीडियो को पूरा देखना। सो एक बार फोटो को सेव कर लीजिए। सो मैं फोटो को फटाफट से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं फोटो सेव हो चुका है। उसके बाद बैग आ जाना है और इस फोटो को डिलीट कर देना है। ठीक है, सो मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। सो डिलीट करने के बाद जिस फोटो को अभी सेव किया उसको इनपुट कर लेना है लाइटरूम के अंदर। ठीक है, सो लाइटरूम के अंदर मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ फोटो को। सो फोटो के ऊपर टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर से कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए और यहाँ से मिक्स वाले टूल। ठीक है, और यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका जो ह्यू है माइनस की तरफ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज टोन फोटो के अंदर आ चुका है। सो बहुत ही आसान है गाइस। सो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का कलर आप लोगों को बहुत ही कूल लगेगा फोटो के अंदर। सो थोड़ा सा सेचुरेशन को हाई कर दीजिए और जो लुमिनेशन है उसको भी हाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर से डन, उसके बाद थोड़ा सा क्लियरिटी दे देना है आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नोटिस किए होंगे। सो ऊपर जो स्काई है हमारा वो बिल्कुल भी ब्लू नहीं हुआ है। सो उसको कैसे ब्लू करना है, ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन आ जाना है, सिलेक्टिव वाले टूल को यूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ से सिलेक्टिव वाले टूल्स, सो इसको यूज़ करना है। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप कीजिए और उसके बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से दे देना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर से क्लर और थोड़ा सा टिल्ट को इधर करना है आप लोगों को। ठीक है, और सेचुरेशन को हाई और नीचे वाले कलर वाले ऑप्शन को कुछ इस तरीके से दे देना है। सो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू टाइप का इफेक्ट आ चुका है ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर से डन। सो आप लोग देख सकते हैं जो स्काई है हमारा उसको हम लोग ब्लू कर दिया। सो यहाँ पर से थोड़ा सा वाइब्रेंट को माइनस की तरफ करना है। ठीक है, और जो यहाँ पर फेस का कलर है उसको भी थोड़ा सा वाइट करना है। सो वाइट करने के लिए मिक्स वाले टूल और ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ से लेमुलेशन को हाई कर देना है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ चुका है। सो ये था न्यू ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक है यार। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। सो यहाँ से नॉइस रिडक्शन को भी हाई कर देना है, जो हमारा फ़ोटो है उसके अंदर स्मूथनेस आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं फोटो बहुत ही अच्छा एडिट हो चुका है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। सो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।